नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज फिर से आपके सामने एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने के लिए आ चुका हूँ, क्योंकि देखिए संडे और सैटरडे के दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। बहुत सारे लोगों का डिमांड्स होते हैं कि सर पेनी स्टॉक के मतलब इस तरीके से कंपनीज के ऊपर डिटेल्स डेटा दे दीजिए, जहाँ पे हम लोगों को भी एक क्लियरिटी मिले कि क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना मतलब आपका लाइफ का पूरा रिस्क ले लेना। तो आपका जितना मेहनत का पैसा है वो डूब भी सकता है और आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकते हैं। तो आपको वही कंपनी चूज करना है जिस कंपनी के एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में ग्रोथ होने का। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो बहुत बार बोला जा रहा है कि इस कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देंगे, बहुत जगह पे आपको सुनने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं एक्चुअली कंपनी में कितना मल्टीबैगर देने का कैपेबिलिटी है। तो एक एक करके सारे डिटेल्स डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा शायद आपने पहली बार वो शेयर मतलब वो डेटा आपने नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले कंपनीज के इंपॉर्टेंस अपडेट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए पेनी स्टॉक में क्या होते हैं, पेनी स्टॉक में लोगों के मन में यही होता है कि मुझे ही पता है कि इस कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन का पता ही नहीं है। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है, कितना होल्डिंग है प्रोमोटर के पास, होल्डिंग जो है वो 31% के आसपास, उनमें से 2.22% के आसपास कंपनी ने प्लेजिंग करके रखा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ प्लेजिंग के बारे में। तो प्लेज क्या होते हैं, तो मान के चलिए आप कंपनी ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति से लोन उठाया। तो लोन जो उठाया, मान के चलिए यहाँ पे कंपनी है और कंपनी ने क्या किया, लोन उठाने के लिए पैसा चाहिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट बैंक में जाकर बोल सकते हैं मुझे लोन दीजिए। तो बैंक करेंगे क्या कि तुम्हारा इतना छोटा सा कंपनी है, मैं तुमको लोन दूंगा, अगर कल जाकर तुम डूब जाए तो मेरा क्या होगा। तो इसके सोच यही सोच के बैंक क्या बोलते हैं कि आप मुझे कुछ भी गिरवी रख दीजिए मेरे पास, तब मैं आपको लोन दे दूंगा। तो बैंक के पास जो गिरवी रखे है वो है कंपनी का शेयर। तो शेयर कंपनी प्रोमोटर ने क्या किया, गिरवी रखा, तो उसी को बोला जाता है प्लेजिंग। तो प्लेजिंग में हमेशा कहता हूँ कि परसेंटेज वाइज प्लेजिंग अगर 25% के ऊपर अगर प्लेजिंग आपको किसी भी कंपनी के दिखे तो डायरेक्टली आप वहां से भाग जाना, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। हाँ आपको देखना है लास्ट 2 ईयर्स में वो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंटिन्यूअसली वो प्लेजिंग को कम कर रहा है, इसका मतलब कंपनी में एक स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पे उतना प्लेजिंग नहीं है, 2% के आसपास है, तो फिर भी इस कंपनी के पब्लिक के बाद सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो है मतलब सॉरी प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो है पब्लिक के पास। पब्लिक क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि इस कंपनी का प्राइस जो 2 रुपये के आसपास है, तो यही चीज सबसे मतलब उसको सस्ते में दिखते हैं। देखिए एक चीज हमेशा कहा जाता है कि वॉरेन बफेट जी भी कहा है कि हमेशा सस्ते दामों में कंपनी के शेयर खरीदारी करिए। और हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम है वॉरेन बफेट जी के बाकी बात नहीं सुने हैं हम लोग। वो यही बोलते हैं कि बेस्ट कंपनी जो फंडामेंटली फाइनेंशियली बेस्ट कंपनी है उसको अगर कभी सस्ते दामों में मिले तब खरीदारी करना, और हम लोग उल्टा कर लेते हैं। हम लोग सस्ते दामों में शेयर तो ढूंढ लेते हैं मगर उसका फंडामेंटल चेक नहीं करते। तो यही हमारा सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है और इसीलिए रिटेल पब्लिक बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। तो किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर पिटाई हुआ रिटेल निवेशक का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है 68.87% के आसपास। तो ये था कंपनी का होल्डिंग। अगर मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस है कंपनी का पेपर बिजनेस। तो पेपर बिजनेस मतलब आप जितने सारे देखिए आप आईटीसी का जो मतलब एक्सरसाइज बुक आप देखते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे एक्सरसाइज बुक्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो मेजर बिजनेस क्या है वो आप देखेंगे, पेपर का बिजनेस है। कंपनी एक महाराष्ट्र बेसिस कंपनी है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1985 से, कंपनी तब से लेकर स्टार्ट हुआ 1985 से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी ठीक ठाक धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ हो रहा था। कंपनी का हालत खराब हो गया कोविड के टाइम में, क्योंकि कोविड में देखा जाए तो सब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, लोग घर बैठे पढ़ रहा था, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। तो लोगों के मतलब जो एक्सरसाइज बुक की जरूरत था वो धीरे धीरे करके कम हो गया। तो इसलिए कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी घुसा, कंपनी ऑनलाइन बेसिस में खुद का प्रोडक्ट बेचा। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट के हिसाब से। तो और प्रोडक्ट क्या है आप देखेंगे, A4, A5, A3 इस कैटेगरी बुक्स है, लॉन्ग्स बुक्स है, कॉलेज बुक है, हार्ड यहाँ पे देख सकते हैं बाउंड बुक्स है, साथ ही साथ ड्राइंग बुक से लेकर और भी देखिए नोटबुक से लेकर लैबोरेटरी बुक से लेकर ग्राफिक्स बुक से लेकर, तो अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी बुक्स यहाँ पे बना चुके हैं। तो कंपनी कैश मेमो भी बनाते हैं, साथ ही साथ चालान बुक भी बनाते हैं,
साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पेड पेड बुक भी, वाउचर बुक्स भी, सब कुछ कंपनी बनाते हैं। कंपनी एक टाइम बिजनेस में कुछ ऑनलाइन में लेके गया, अगर यहाँ पे देख सकते हैं बाई बुक ऑनलाइन, कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी ओपन कर दिया। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो कंपनीज के बुक्स आपको दिखेंगे, जो बुक्स आप ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। तो बुक्स एक्चुअली नहीं है, कंपनी के एक्सरसाइज बुक्स है, आप जाकर उसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो कंपनी के घर बैठे अगर कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाना भी स्टार्ट किया कोविड के बाद, और वो थोड़ा उतना सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि कंपटीटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण कंपनी में उतना सक्सेस देखने को नहीं मिला। और कंपनी एक पेन ड्राइव भी बेचा, जिस पेन ड्राइव के माध्यम से कंपनी ऑफलाइन क्लासेस देना स्टार्ट किया। जो पेन ड्राइव खरीद के आप घर बैठे कंप्यूटर और मोबाइल और कोई भी मतलब कोई भी टेलीविजन के माध्यम से वो ऑफलाइन से देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी के जो ऑफर्स है वो आप देख सकते हैं। तो क्या इस बिजनेस से कंपनी का ग्रोथ होने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से, मेरे अगर ओपिनियन जानना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात, पेपर पेपर इंडस्ट्री धीरे धीरे करके खत्म होने वाले हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से डिजिटली प्लेटफॉर्म आ रहा है, देखिए आज अगर आपको लिखने के लिए बोला जाता है और पढ़ने के लिए बोला जाता है, तो जितना इंटरेस्ट आप कोई टेक्नोलॉजी बेसिस में पढ़ेंगे, मतलब मान के चलिए मोबाइल से, कोई भी लैपटॉप से, कोई भी डेस्कटॉप से, किसी भी जगह से पढ़ने में जो इंटरेस्ट मिलता है, क्या सही में बुक पढ़ने से उतना इंटरेस्ट मिलता है? मुझे एक बार जरूर कमेंट करना। हाँ, बुक पढ़ना भी जरूरी है, बुक पढ़ना भी जरूरी है, फिर भी आजकल के टेक्नोलॉजी बेसिस में बुक उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है जो टेक्नोलॉजी बेसिस में लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से इस तरीके से कंपनी का हालत खराब होने वाला है। दूसरी बात, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, पेपर बनाने के लिए जितने सारे पेड़ मतलब काटा जाता है, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट भी सोच रहा है। तो उसके हिसाब से पेपर कं इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा गड़बड़ी देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कंपनी के बारे में, स्टेन के बारे में आपको पता चले। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइस देखकर ही निवेश कर लेते हैं। तो निवेश उसको देखकर नहीं करना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख के करना है। तो कंपनी, इतना तो सब कुछ मैं आपको दिखा दिया, अभी कंपनी का फाइनेंशियल लेटेस्ट दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है सुंदरम मल्टी पेपर लिमिटेड। तो सुंदरम मल्टी पेपर लिमिटेड कंपनी का नाम ही आपको पता चलेगा। तो कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर आप देख सकते हैं। ई लर्निंग, स्कूल एंड ऑफिस, स्टेशनरीज, मतलब जो बुक्स और किताबें, जो एक्सरसाइज बुक्स होते हैं, वही उसी के बारे में बातचीत बातचीत किया जा रहा है। कंपनी बुक्स एंड पेपर्स में ही 98% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और बाकी कंपनी एजुकेशन सॉफ्टवेयर के 1%, जो एकदम नाक के बराबर है। दूसरे कंपटीटर तो पूरा इसको मतलब मच्छर के जैसा मार देंगे। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला। तो रही बात कंपनी का डेटा के बारे में, कंपनी अभी 2 रुपीज 3 मतलब 2 रुपीज 30 पैसे के आसपास चल रहा है। देखिए प्राइस में, अब जब वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस है, तो जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो अब 2 रुपया अजूम करके चलिए। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 109 करोड़ के आसपास। छोटा सा कंपनी है, पी रेशियो चलो इंडस्ट्री पी रेशियो के आसपास है, ये बात ठीक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। कंपनी आज तक डिविडेंड नहीं दिया, क्यों नहीं दिया मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का कर्जे के बारे में बात करें, तो कंपनी का कर्जा उतना ज्यादा नहीं है। तो कंपनी का एनुअली इनकम भी उतना खास नहीं है, फिर भी कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का जो एनुअली इनकम है वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रमोटर के पास तो होल्डिंग में पहले बोल चुका हूँ। फ्री कैश फ्लो, हाथ में कैश भी 8 करोड़ के आसपास पड़े हुए हैं। कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो मुझे दो तरीके से लगा, वो है इन्वेंटरी डेज। इन्वेंटरी डेज मतलब कंपनी का प्रोडक्शन करने में 280 दिन लग रहा है। इतना दिनों में अगर प्रोडक्शन करने में ही लग रहा है, तो कंपनी बेचेंगे कब और पैसा कब आएंगे? देखिए कंपनी बेचने के बाद पैसा आ रहा है 80 डेज में, तो यही सबसे बड़ा खतरा बन रहा है कंपनी के लिए। देखिए आप जितना जल्द जल्द से जल्द फटाफट फटाफट माल बेचेंगे, उतना फटाफट अगर पैसा आपके हाथ में आए तो कंपनी तेजी से रॉकेट की तरह भागेगा। क्योंकि आपका जो मेन पॉइंट है किसी भी बिजनेस के लिए वो है रॉ मटेरियल्स, और दूसरा है आपका ट्रांजेक्शन का पैसा रोटेशन। तो रोटेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही खास रहेगा। कंपनी का पैग रेशियो बता रहा है, कंपनी इंटरेस्ट कवरेज भी ज्यादा है, मतलब उतना खास नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट उतना खास नहीं है, पैग रेशियो बहुत बड़ा नेगेटिव में है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस तो किया, मगर कंपनी के ओपीएम में भी चलो एक एवरेज लेवल में देखने को मिला, मगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में उतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। कंपनी का भी लॉस लफ्ज लॉस जो हो रहा है, बड़ा बड़ा लॉस हो रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है वो कम प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए कंपनी आपको रिटर्न उतना खास नहीं दिया, सिर्फ 3 साल में दिया। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद इस कंपनी ने बिजनेस ऑनलाइन लेके गया, उस टाइम में कंपनी का ग्रोथ हुआ, इसलिए 30% का रिटर्न दिया। बाकी टाइम देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव में है। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर के बाद पब्लिक ही सबसे ज्यादा होल्डिंग रखा है। कैश फ्लो के बारे में बात करो, तो कैश फ्लो में आप देखेंगे कंपनी दिखा रहा है कि इतना पैसा मुझे आने वाला है, एक्चुअली उतना पैसा नहीं आ रहा है, छोटा मोटा पैसा अभी भी मार्केट में पड़े हुए हैं। तो रही बात कंपनीज के जो बेस्ट और इंटरेस्ट पॉइंट है, वो है कंपनी का फिक्स एसेट। तो
तो कंपनी फिक्स एसेट के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। तो देखिए 7 करोड़ के आसपास कंपनी का इन्वेस्टमेंट पहले था, आज वो सिर्फ 46 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब धीरे धीरे करके कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो रहा है। उसके हिसाब से कंपनी कर्जा किस तरीके से लिया, देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली पहले तो कर्जा नहीं ले रहा था, अभी कंटिन्यूअसली कंपनी कर्जा लिया। 2021 में 2021 सॉरी 2020 में कोविड के टाइम में कंपनी सबसे ज्यादा कर्जा ले बैठा 22 करोड़ के आसपास। वो पैसा कंपनी मिटा भी दिया, ऐसे नहीं कि कंपनी मिटा नहीं पाया, ये भी बात कंपनी के ऊपर देखना चाहिए। तो सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना जरूरी है, क्या निवेश करना सही होगा? चलो एक पॉइंट लास्ट में आपको दिखाऊंगा जो आपको पूरा पासा ही पलट देगा। तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, तो कंपनी का जो बिजनेस है आप ध्यान से इस डेटा को देखेंगे तो कंपनी का जो जो बुक्स में कंपनी बुक्स में कभी कब कमाया 2020 में, और कंपनी का देखिए ई बुक्स में कब कमाया, हर साल में कंपनी ई बुक्स के ऊपर कमा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग के ऊपर कंपनी 2016 में कमाया और 2020 में कमाया, और बाकी साल में कंपनी कुछ कमाई नहीं। कंपनी के देखिए लोकल्स में, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में, तो अलग अलग जगह पे कंपनी पेपर बिजनेस में कंपनी 2015-16 में कमाया था। इसका मतलब कंपनी में किसी बिजनेस फिक्स नहीं है जहां से कंपनी का कंटिन्यूअसली रेवेन्यू आए। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस तरीके से कंपनी से दूर रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको यही बोलेंगे कि कंपनी आज 2 रुपया है, कल जाकर बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। देखिए दे सकता है, क्या आपको उतना रिस्क लेना है तो आप जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेन बन रहा है मुझे उतना खास नहीं लगा। कंपनी का हायर लेवल आप देखेंगे तो चौंक जाओगे, कंपनी एक टाइम 26 रुपीज के ऊपर चल रहा था, आज कंपनी 2 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला। ओवरऑल कंपनी का जो मैं चार्ट पढ़ने आपको मैक्सिमम में दिखा दूँ तो कंपनी 86% क्रैश आपको दिखा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंपनी आपको लॉसेस दे चुके हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा, मुझे जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे कि सर आपके पास इस होल्डिंग है इस कंपनी का, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस कंपनी के बारे में उतना स्ट्रांगली मुझे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला तो मैं जरूर अवॉइड करूंगा। तो आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था। किसी भी पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले ध्यान से उसको पढ़िए, उसको रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।